20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। पिछले दो हफ्तों से किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर लगातार रिहर्सल कर रहे थे कि वो किस तरीके से दिल्ली का कूच करेंगे, और कसम कस की स्थिति यह भी बनी थी कि पुलिस दिल्ली में परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन अब किसान संगठनों ने ये जानकारी दी है कि आखिरकार पुलिस ने कुछ हद तक परमिशन दे दी है। लेकिन देश की आन बान शान, देश का तिरंगा अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो किसान के ट्रैक्टर पर लगाया गया है, और इस फाइनल रिहर्सल अब अंतिम रूप देते हुए किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर पर किसानों ने देश के तिरंगे को सबसे ऊपर स्थान दिया है। ये हमारी आन बान शान देश की तिरंगा है, आप देखिए बड़े ही चाव और शौक के साथ किसानों की तरफ से तिरंगे को स्थान दिया गया है, और साथ में किसान एकता यानी कि किसानों ने अपने झंडे को भी इस ट्रैक्टर के ऊपर सुशोभित किया है। आप हर ट्रैक्टर की तस्वीर देखेंगे तो वाकई ही वो बेहद खूबसूरत और लाजवाब है। लगातार देखिए, आप हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं ट्रैक्टर की। हर ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगे को लगाया गया है, और उसके साथ ही किसानों ने अपने तिरंगे को भी स्थान दिया है। और अब हम आपको तस्वीरें मंडी डबवाली के नेशनल हाईवे 9 से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। एक और ट्रैक्टर हम आपको दिखाते हैं जिसके ऊपर भी तिरंगे को लगाया गया है, और एक बहुत बड़ा जज्बा और एक जनून किसानों के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए किसानों ने कितने बड़े जो तिरंगे को स्थान देते हुए एक बहुत बड़े झंडे को भी ट्रैक्टर के ऊपर लगाया है। आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पाइपों के साथ लगाते हुए तिरंगे को लगाया, ये देखिए आपको किसान दिखा रहे हैं। ये है हमारे देश की आन बान और शान, और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश का अन्नदाता दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर परेड के माध्यम से मनाएगा। सर कितना फख्र महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा है आपके ट्रैक्टर पर होगा, खुशी हो रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी है सर। आप भी दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं सर। ठीक है, आप ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे सर? बिल्कुल। ठीक है, तो ये हम आपको किसानों से पहले ही मिलवा चुके हैं, आपको लगातार हम लंबी कतार दिखा रहे हैं, और लगातार ट्रैक्टर हाईवे के ऊपर गुजर भी रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ट्रैक्टरों ने जाना यहाँ से शुरू कर दिया है, और हर ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगे को लगाया गया है। आपको हर ट्रैक्टर के ऊपर 2 से 3 तिरंगे हैं वो अवश्य मिलेंगे, और ये देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। लगातार हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं। अब 2 दिन का समय बचा है जब देश में सबसे बड़ा पर्व गणतंत्र दिवस किसान मनाएगा, और ये दावा है किसानों का कि लाखों ट्रैक्टर के साथ वे दिल्ली में प्रवेश करेंगे, और बेहद शालीनता के साथ, एक धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, शांतिमय तरीके के साथ किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालकर इस देश के गणतंत्र यानी गण को पहली बार मनाएंगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब ज़्यादातर तिरंगा हर बार राजनीतिक पार्टियों, राजनेताओं की तरफ से फहराया जाता था, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के इतिहास में देश के अन्नदाता ने एक अनोखी रीत शुरू की है, जो कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर, जहां पर किसान पिछले करीब 2 महीनों से ज़्यादा समय से दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं, और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करते हुए MSP के ऊपर एक कानून लेकर आए ताकि किसान की सभी मांगें पूरी हो सके। अब किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, और जिस तरीके से पहले से ही किसानों ने ये घोषणा की थी कि वे गणतंत्र दिवस को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के माध्यम से अपना मनाएंगे, और ठीक वैसे ही अब रुझान शुरू हो गए हैं कि 2 दिन पहले ही किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं।
कैमरा पर्सन हेमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू तेज हरियाणा के। सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो कि अज असी गणतंत्रता दिवस में लैके 26 तरीक न जो दिल्ली पहुँचना सी उस दे लई अज असी 24 तरीक न औडा खूइयां टोल प्लाजा ते होर नेड़े नेड़े पिंडां चों ट्रैक्टर लैके चल रहे हैं, जिस दे उपर ट्रैक्टर दे उपर एक पासे तिरंगा झंडा एक पासे किसानी का झंडा, जो कि किसान मजदूर एकता उस अंदोलन लई दिल्ली नूं रवाना हो रही है। उस दे लई असी जो अंदोलन करना दिल्ली दे विच ओह बिल्कुल शांतमई करना। असी कहने जी जिहड़े काले तीन कानून मोदी सरकार लैके आई है उहदे रोस वजों असी सारे ही पिंडां दे विचों किसान अज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की परेड के शामिल होने वास्ते दिल्ली में कूच कर रहे हैं। उत्थे जाके शांतिपूर्वक तरीके नाल परेड के शामिल होणगे। असी मोदी नूं यह कहने हैं कि भी काले जिहड़े तीन कानून तू लैके आया है ये रद्द कर ते किसानां नूं न्याय दे। जिहड़े किसान मींह दे विच ठंडियां शरदा हवावां दे विच उत्थे बैठे हन दिल्ली के बार्डरां दे उत्ते सारिआं नूं ही मतलब न्याय मिले नहीं। सैकड़े लखां की तादाद दे विच किसान अज उह दिल्ली मोर्चे दे विच उत्थे परेड दे विच शामिल होणगे। तो सानू यही बेनती करते हैं असी मोदी सरकार नूं भी इह तिन्ने काले कानून रद्द करे ते किसानां नूं न्याय देवे। सर क्या पूरा कैसी मिट्टी अपने राज्य की, कहाँ से निकलती नदियाँ, कैसे बदलती है जलवायु, कैसे होती है यहाँ पर कृषि, कौन सा जिला है पथरीला, कौन सा भाग है मैदानी, अपने राज्य का भूगोल जानना कामयाबी की है एक निशानी। नमस्कार, मैं नरेश कुशवाहा, आप पढ़ेंगे भूगोल मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। धन्यवाद।